मित्रों, अभी आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। अध्यात्म का मतलब सीधा सीधा है अच्छा इंसान बनने का विज्ञान। अगर हम अच्छा बनते हैं तो अध्यात्म ठीक है। आप लोग रोज सुनते हैं, सुनने के लिए अगर बिहार में पद्मश्री मिले तो हम लोग सबसे पहले ले लें। जो सुनाना है सब सुना दो। हमारे बिहार के लोग सुनने में बड़े उम्दा किस्म के लोग होते हैं। रियल में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सब सुन लेता है। लेकिन पूछे करने वाला मामला तो कहेगा, भैया ट्राई किए थे। अच्छा, सुने इतने प्यार से और ट्राई किए। 20 मिनट आपसे कहा गया था ध्यान करने के लिए, गायत्री मंत्र के लिए। हुआ नहीं हुआ भैया? 2 संडे से आ रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं सुनते हैं। तो जो व्यक्ति 20 मिनट नहीं कर सकता है, उससे फिर पूछिए क्या एम है। रेलवे आगे पीओ आईएस। वाह, जो 20 मिनट, वो भी मेरे लिए नहीं। अगर मेरा फायदा उसमें होता तब तो आप कहते देख ली रे कितना तेज निकल रहे हैं। तोरा कहे थलियो न रे, तू नहीं बुझली, समझावे थलियो तोरा। ऐसा ही नहीं 3 साल से चौकी पर सुता ही है। लेकिन समस्या वो है कि आप वहां भी बुद्धि लगाते हो तो आपको लगता है 20 मिनट से इसको क्या फायदा है भाई, ये तो हमारे लिए कह रहा है। कहीं से जब बुद्धि नहीं लगता है, कोई दिमाग नहीं लगता है, चारों तरफ लगाते हो यहां आने के बाद, इतना कहता है, इतना बार बार रिपीट करता है, ध्यान करो गायत्री का, सब कमीशन में लाई की रे हम जपिए नहीं जपिए की लेना देना है। साहब एक पीड़ा है, एक दर्द है कि हमारा युवा बढ़िया नस्ल का हो। नस्ल समझते, बढ़िया नस्ल का। सेना में भी घोड़ा डिमांड है। कैसा? बिहारी घोड़ा? बिहार में कभी बर्तन बेचते देखे हैं घोड़ा पर? कुछ कुछ एरिया हम लोग के यहां बिकता है। घोड़ा के ऊपर ही क्या करता है, बर्तन लाद देता है। देखे होंगे, उसी तरह आपके कंधा पर क्या लाद दिया गया है, झोला। कारे कोचिंग जाइयो। तो साहब एक वो भी घोड़ा जो बोझा ढो रहा है, और एक घोड़ा सेना में है 6 फुट का लंबा तगड़ा। ईर अगर लगा लो तो साहब स्पीड, हाई स्पीड। तो नस्ल, बढ़िया नस्ल का युवा देख के मन गदगद हो जाए। साहब क्या नस्ल है, चेहरा पर क्या तेज है। ये पीड़ा है साहब। जब वो पढ़ने बैठता है 3 घंटा लगातार बैठा रहता है, 3 घंटा में तो 6 बार मोबाइल देखता है। ये मेरा नस्ल ही है। कौन कौन फॉर्म भर ली तू? हम 4 को भर ले। अब आप 4 फॉर्म भर, क्वालिटी है नहीं, गुणवत्ता है। मोदी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, करना भी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं। भाई प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा, भाई देश के सर्वोच्च जगह पर है। मैंने बढ़िया किस्म का रोड निर्माण शुरू कराया है, कराना भी चाहिए। रोड की गुणवत्ता बढ़िया होना चाहिए। जल्दी, पहले बिहार उहार में रोड बनता था तो चिपड़ा जल्दी उखड़ जाता था, आजकल तनी टाइम लेके चिपड़ा उखड़ता है। तो क्वालिटी को सुधार हुआ, सब बढ़िया, सब चीज बढ़िया। हाई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इंडिया में, जरूर लाइए। लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा मोदी जी? इसका विकास कैसे होगा? हैं, आदमी तो हम वही हैं।
इसके लिए कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, इसका क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, पाकिस्तान तब डरेगा। इंडिया का युवा टॉप क्वालिटी का है, टॉप क्वालिटी का। अभी इंडिया का युवा रात में वीडियो देखता है, ये गुणवत्ता वाला युवा चाहिए, क्वालिटी वाला चाहिए। इसलिए आपको कहा जाता है क्या करने के लिए, 20 मिनट आपसे डिमांड किया जाता है। किसके लिए? मैं तो कहता हूं 20 मिनट मैं राष्ट्र के लिए मांग रहा हूं कि आपका कल्याण होगा तो किसका कल्याण होगा? राष्ट्र का कल्याण होगा। उसमें मेरे को क्या, कोई कमीशन है का? गायत्री जब बहुत हमारा मिलता है, नौकरी मिलता तो हमारा देबो, पूछबो नहीं करबो ना, हमारा अपन मौसा के देबो। चलिए अच्छा दे दे, मौसे को ही मिलना चाहिए, मौसा का प्रथम अधिकार है। चलो चलो साहब, मैं ये बात कह रहा हूं, 20 मिनट का बात मैं कहता हूं। इतना रगड़ खाने के बाद तो पत्थर भी घिस जाता है साहब, आपको इतना रगड़ा जाता है, इतना रगड़ा जाता है, फिर भी जब आप आते हैं तो वही चीज दोहराते हैं। तो हम जब पूछते हैं वही, हम तो वही थेथर आदमी हैं, जानते हो शुरू हुआ नहीं, वो तो किए थे एक दिन। अरे भगवा, जो 20 मिनट शुद्ध रूप से अपने लिए, अपने मन की सफाई के लिए, तन की सफाई तो आप करते हो, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो मैं जानता हूं, और अगर थोड़े बहुत बदबू बच जाती है स्नान के बाद भी, इसको क्या कहते हैं, बॉडी स्प्रे। अरे तो तू इतना महका कहला ही रे, अभी ब्याह न हो तोहर, शादी नहीं हुआ, अभी जवान हो, फिर भी इतना महकते हो। पहले का युवा तो इतना नहीं महकता था, आज का युवा इतना गंध क्यों मार रहा है भाई? ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। अभी आप जानो, चूंकि आप विद्वान लोग हो, हम तो चेहरा जब देखते हैं थोबड़ा, हम चेहरा को थोबड़ा कहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध शुद्ध भाषा आपके नजदीक बोले एकदम व्याकरण छंद, तो हम जानते हैं कि आपके समझ में नहीं आएगा। कहाँ फंसा दिया लाके। एक बार बैठा हुआ था, नया सबका क्लास ले रहे थे, तो हम कहे 69 इयर्स, तो हम पूछे कितना हुआ, कहा था 59। तो हम कहे धन्य है प्रभु, तभी पटना के लौज 2000 वाला 4000 में मिल रहा है, और 4000 वाला 6000 में, सही है। सब माल अभी टप रहा है, इंटर वाला माल अभी टपेगा, अभी इंटर पास जितना होलो है क्षेत्र में सब टप, तो पटने केला मंडी, बाजार मंडी, सब्जी मंडी, बाजार में ठसल ठसायल है सब। और पहले वाला माल निकला नहीं है, वो माल जस के तस है, और फिर नया माल आ रहा है और ठसा ठसी चला। आप भाई आदमी चलेगा कैसे रोड पर रे भाई, है पढ़े लहाओ ने, वो तो हम जाने ही हो, वो तो हम जान रहे हैं। थोबरा लेके चल मी, कुछ दोस्त यार मिलते है, ये देख ली बढ़िया वीडियो है। मेरे कहना है साफ साफ शब्दों में कि साहब हमारा भारत का युवा क्वालिटी वाला कैसे हो, इस पर किसी सरकार का किसी कार्यक्रम में कोई योजना बनता है? मैं तो आज तक नहीं सुना, आप लोग तो विद्वान लोग हो, रैली में गए होंगे कहीं, कुछ हुआ? मैं नहीं गया, मैं तो यहीं से प्रणाम करता हूँ, देवता लोग हैं बड़े ऊंचे क्वालिटी के, तो मैं यहीं से सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जो जो कहो सैल्यूट मारता हूँ। अच्छा है, आप अपने अभियान में लगे रहो। युवा कैसा होना चाहिए साहब? युवा तो ऐसा होना चाहिए जब नेता बुलाए तो जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे वो तो जिंदाबाद है तब ना हेलीकॉप्टर पर घूमा है, आ तू, हम तो झंडा धोते हैं जिंदाबाद का। युवा कैसा होना चाहिए आपको देखना है? बिहारी युवा सब नेता के यहाँ खाना बना हुआ था जो बढ़िया क्वालिटी का, आज पेपर में छापा, हमारा पर दोष नहीं लगाइएगा भाई, नहीं कि आप लोग आदमी हैं गड़बड़ सूचना दे दीजिएगा, कहेगा यही सब बोलते हैं आप। आज दैनिक जागरण में हम पढ़े नीतीश हलवा खाइए, मोदी लड्डू पेपर में छपा है, जो आने वाले लोगों का स्वागत करेंगे नीतीश हलवा से। ठीक है, यो सब हलवे खाए बैठले है, तो खिलाओ खिलाओ भाई, को हलवा आ गो गलुआ,
इसी के बल पर मोदी जी पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी, ये मोमबत्ती जलाने वाला भीड़ है मोदी जी, देखिएगा ना कैसे बनेगा जो मेथड है। फिर आप पूछेगा मेथड क्या है बता दीजिए हमको, तो आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ते हैं, यह वो विशेषता है। आज का दैनिक जागरण सबसे अंतिम पेज इसरो के साइंटिस्ट का पूरा छपा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब विद्वानों से, जो रेलवे में ढुकने वाले, बैंक में ढुकने वाले और न जाने कहां कहां ढुकने का प्लानिंग है, इन विद्वान दोस्तों से, इन युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात मत मानो, मैं कहूं मत मानो, लेकिन भैया कम से कम उस सब का तो बात मानिए जिससे आपका कल्याण होने वाला है। दैनिक जागरण में छपा है इसरो के साइंटिस्ट ने जो मेटाफिजिक्स और साउंड पर जो रिसर्च करके दिया है कि मंत्रों के वाइब्रेशन कैसे पदार्थ विज्ञान में कन्वर्ट होता है, इमोशंस का क्या प्रभाव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा रिसर्च करके दिया है। इसरो का उपनिदेशक था, इसरो जानते हैं है? अरे भैया ऐसा नहीं कि हम बोले थे कहे कौन कहे हो रे, हाँ हम यहां से बोल रहे हैं इसरो, दो चार को बीच में सोच रहा होगा खिसरो कह ले की रे देख लो भाई इसरो इसरो हाँ समझाना पड़ता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग माल ढोने वाले लोग हो ठीक है भाई। तो भैया उसको पढ़ लीजिए, आप उसको पढ़िए क्या कहता है, मेरी बात मत मानिए, निशांत रंजन की बात मत मान, एकदम नहीं मान, मानना ही नहीं है, नहीं मानेंगे माने। हमको कभी कभी दया आता है, हमको कभी कभी दया आता है नीतीश हलवा खाने वाले लोगों से, सही कहते हैं भीतर से दया लगता है, ये कहां जाएगा, हलवा खा खा के गेंदा हो जाएगा भैया, आ कहां चले ला है भैया, अरे वाह मैं हा भैया चुहार सब कहा, हम नेता बनबो भैया नेता, दलाली करबो दलाली, सीओ बीडीओ के हाँ वृद्धा पेंशन, अब डायरेक्ट आता है दलाली खत्म है भाई, अब तो खाता में आवे हैं कहाँ दलाली करबे, अब विधायक बनबे नहीं कहाँ से बनबे, हमको दया आता है उन युवाओं को, एकदम कुर्ता हम तो तनी मोचराइल पहन के आए हैं, मोचराइल नहीं पहना है पूरा, जो विधायक है एमपी है उसकी बात छोड़ दीजिए, गाल सब एकदम देखिएगा लाल लाल से जैसा मुर्गा के जूस पी पी के सब एकदम मोटाए, हमर है देखो है लेखो लेखो खाए खाए बिना लगे घोलता है सब, अपने बाप अपने पंप मार के तो ना बनाइए रोटी मोटवा तो बनवाइयो सब्जी वह घसीट के खा जाए है। तो भाई मेरे ये गुणवत्ता नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन अच्छा नहीं होगा तो पढ़ने में मन लगेगा, तन साफ और मन गंदा, तो मन गंदा है तो मन की सफाई का, मन के क्लीनिंग का सबसे बेस्ट चीज है क्या, ध्यान और गायत्री मंत्र, मन की सफाई, मन गंदा होगा मन का स्वभाव है, और अपने यहां तो कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा, अरे मन को चंगा करिया, गंगा में डुबकी लगे लें शरीर धुल्लो मन गंदा है ये हो, फिर देख लें कि देखी रे गंगा में डुबकी लगे लगा कौन नाम है देखी न रे ऐसा तो तू गंगा कहला है रे। मैं पहली बार 1990 में सिमरिया घाट में, उस समय मैं गायत्री से नहीं जुड़ा था, तो मेरा कंसेप्ट भी यही था कि गंगा नहाने से पाप कट, मैं भी चूंकि सबका बचपन से सुनते आ रहे थे गंगा में डुबकी लगाओ पाप कटेगा, तो मैं सिमरिया घाट जो बेगूसराय के पास है उसमें मैं गंगा स्नान के लिए गया एक बार। तो मैं आपको क्या बताऊं, उस समय मैट्रिक में थे हम, 10-12 डुबकी मारे, और जितना डुबकी मारे ये सोच के मार रहे थे कि जो पीछे के हिसाब किताब हो सब खत्म हो जाए अगला खाता फिर आगे चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। हम सोचते थे कितना बढ़िया भारत का संस्कृति है, पाप करते चलो डुबकी लगाते रहो इतना बढ़िया चीज दुनिया में कहीं नहीं, पाप रोको नहीं
करो, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर ने तिका कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध, उसी तरह आपका गड़बड़ी करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार, इसलिए जन्मे जन्मे कहला। गड़बड़ी हो ना तो जन्म कौन काम के, कहानी कैसे बने, खूब गड़बड़ कर, गड़बड़ हो तो इतना गड़बड़ हो जाए कि इंजन ही नहीं चले, इंजन फेल हो। आज के युवा का इंजन फेल हो रहा है, मोबिल सड़ गया, कैसे था? मोदी जी को ध्यान है इन चीजों? मैं कहता हूं सरकार आप बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, रेलवे का एक से एक हाईटेक बना रहे हैं, हमको भी अच्छा लगता है, जरूर बनना चाहिए, भारत का विकास हम भी चाहते हैं, इतना हाई लेवल में होना चाहिए कि मन खुश हो। लेकिन उस विकास में फिर मेरा वही क्वेश्चन है, रहेगा कौन, चलेगा कौन? है आपने क्या किया, अभी एक बनारस से एक बड़ा सुंदर ट्रेन चला, महामना एक्सप्रेस, उसको बहुत आधुनिक तरीके से बनाया गया, बहुत मॉडल तरीके से, मैंने टेलीविजन पर दिखाया कि बड़ा सुंदर, मैं भी देखा तो मेरा मन गदगदाया कि कभी मौका मिले तो मैं भी इस ट्रेन की यात्रा करूं, बड़े सुंदर, ऊपर चढ़ने के लिए सब बढ़िया, अंदर भी बहुत बढ़िया डेकोरेशन। कुछ दिन के बाद फिर दिखाया, नल के टोटी घुमा ही तो, घुमा ही तो, चप्पलवा रे जान देवे जाइए तो पंखा के ऊपर में खोस ले रहे। आए मोदी जी, तो एक तरफ आप बनाते रहिएगा और दूसर तरफ पिछोड़ा सब में चप्पल खोस दो, आ ये युवा के बल पर आपको भारत के माने तकदीर बदलना है, तो भगवान भला करे भाई। इसका निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक इसका निर्माण नहीं होगा तब तक आप इसको सोना के लंका में बैठा दीजिएगा, तो वहां भी कहेगा बड़ी चमके है नहीं रे। उसको भी पोछ देगा। एक लड़का आज सुबह के गोष्ठी के बाद मेरे पास आया, इतना बात आप लोग को देखिए, हंसते हंसाते बहुत काम की बात हम बोलते हैं, हम नहीं समझिए तो आपका बुद्धि, हम क्या करें। सुबह में एक लड़का यहां से सुबह के गोष्ठी में मेरे पास मिलने गया, तो सब भीड़ छट गया, वो अकेला बचा, पहले दिन आया था वो। क्या बात है भाई? भैया एक बात पूछना है। पूछो। पढ़ने में मन एकदम नहीं। तो हम कहे सब बात बताए ना जी, वहां सब तो पढ़ाइए वाला बात बताए, ध्यान करो, ये करो, क्यों कचरा से काहे नहीं मन लगता, सब बताए ना, फिर रिपीट करें। नहीं नहीं, वो तो सब सुने आप, ठीक है बोले थे सब बात, लेकिन समस्या वह है कि मने ना, अरे कर्म ही ना रे, बतलियो तो कर्म ही ना। फिर खड़ा है, हम कहे और कोई बात है? नहीं वही पूछ रहे थे, बताए ना रे, तो बता, फिर रिपीट करिए। तो हम कहे अच्छा ठीक है, इसको कुछ बोला जाए, पूछा जाए, इसका और कुछ गड़बड़ी? हम कहे तो गाना खेसारी लाल का सुनता है। हम कहे आओ पकड़े लो बीमार है, अब सुना ही तू खेसारी लाल, खेसारी लाल का गाना, माफ करे विद्वान लोग हैं वो, उनका गाना आपके मन को ऊपर उठाता है कि नीचे गिराता है? भौजैया होली में तो ये लड़का पढ़ने आया, ये लड़का पढ़ने आया और पढ़ने के दरमियान गाना सुना उसका, तो हम तो भाई मशीन नहीं है, हम तो इंसान है, हम पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और लगातार सुने ही हो, ठीक है सुन लिए, यहां तक भी अगर मामला निपट जाए आप ही के जनरेशन तक, तो एक बात हम मान लें कि चलो गेल था, खत्म था, सुन लिए। नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा ना, आपका ब्याह होगा ना, नहीं आपका भी आएगा नन्हा, तो आप खेसारी का सुन रहे हैं तो रहड़ी का सुनेगा, तब आप कहोगे अरे तुरा पटना में पढ़ने के लिए रखे हैं कि खेसारी का गाना सुनेला, तब वो कहेगा पापा अपना जमाना याद करो। तो जे कलम तोहर है वे फसल नौकरों में जेते हो, डीएनए है, घबरा कहला है।
आबे वाला हो समैया, बस दू चारे पांच साल कितना लोग होबो जो चढ़े वाला होबो घोड़ी पर, कितना होबो दू चार पर, घबरा मा माफ करना आप विद्वानों से। इसलिए भाई मेरे, आप विद्वानों से मेरा कहना है, आप अपने को बनाने का कोशिश करिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने विकास सेल्फ, तो संसार के हर बाजी आप जीत सकते हो। दुनिया का कोई बाजी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जीत सकते हो। संसार की जितने भी चीजें हैं उनको जीतने की सारी ताकत परमात्मा ने किसके भीतर दिया है? आपके भीतर दे दिया है। कोई नहीं हरा सकता इंसान, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि किसी को हरा सकता है। इंसान स्वयं से हारता है, और जब स्वयं से हारता है तो दोष कभी कहीं कहीं लगाता है, कभी भगवान पर, कभी भाग्य पर, कभी भविष्य पर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सीधी बात, हम तो देखते हैं कि आप स्वयं अपने नाव में 10 छेद किए हुए हैं, उस छेद पर ध्यान जाता नहीं है। अभी पूरा दिमाग हमरा पर लगाइएगा, उज्जर पहन ले हले नहीं रे, देख ली रैली में गेल होते लगे, जरूर गेल हो तो नुका के निशांत रंजन के साथ कहीं खड़ा हो तो पिछवाड़ी में। माफ करिए, मैं नहीं जाता, मेरे लिए सब देवता हैं, चाहे लालू जी हों, मोदी जी हों, सभी देवताओं का मैं सम्मान करता हूं। ये देवता लोग हैं, मैं छोटे छोटे लोग हूं। आपका कुछ कल्याण हो जाए यहां आने से, आपका मन अच्छा हो जाए जिससे आपका पढ़ने में मन लगे, आपका व्यक्तिगत विकास अगर हो गया, आपका स्टडी लेवल सही हो गया, आपकी पढ़ाई वाली गुणवत्ता क्वालिटी वाली पढ़ाई हो गई। साहब आप कहते हो बेरोजगारी, बेरोजगारी उसके लिए है जो सिर्फ ढुकने वाला पढ़ाई पढ़ रहा है। उतने पढ़िए और नहीं ढुक ली तब, जो संपूर्ण स्टडी जिसका मैथ पर कमांड है, फिजिक्स का कमांड है, केमिस्ट्री पर कमांड है, इंग्लिश पर कमांड है, क्या साहब उसके जीवन में पैसे की कमी रहेगी? अरे आज भी डिमांड है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता आया है, लोग पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं और बड़े सम्मान पा रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात, हाँ बेरोजगारी किसके लिए? वही शॉर्टकट वाला, किसी तरह ढुक जाना है, नहीं ढुके तो नहीं ढुके। इसलिए भैया देख लो, ये क्वालिटी की पढ़ाई अगर आपने, और इसके लिए मन का सफाई सबसे ज्यादा है जरूरी है, क्योंकि मन परेशान होता है, मन के अंदर हलचल होता है, मन लोगों की बातों से प्रभावित भी होता है, निगेटिव बातों से ज्यादा प्रभावित होता है, नकारात्मक चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है। इन चीजों को साफ करने का नियमित व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए भारत का अध्यात्म यही था कि मन की सफाई, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन क्यों किया जाता था? मन की सफाई, मन की सफाई। भगवान को फंसाने के लिए भजन नहीं, भगवान को क्या लेने देना आपके भजन से? यहां लोग भजन क्यों करता है? हैं, हनुमान जी का पूजा क्यों करता है? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारू, आपको कौन नहीं जानता है भाई? उनका तो सब जानबे करे। कुछ नए मित्र लोग आए होंगे, बड़ा कौतूहल बस हमको देख रहे होंगे। देखो 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 देख लो, बढ़िया से देखना, फिर मत कहना कि मैंने तो देखा नहीं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो, हनुमान जी के पास कभी कभी जाइए, हनुमान जी के यहां बड़ी भीड़ जुटती है युवाओं की, सब बात कह लेगा, आपको कौन नहीं जानता? आप तो लंका में चले गए थे, हॉस्टल हॉस्टल घूमे थे, लौज लौज घूमे थे, सबको पकड़ के लाए थे, आप सीता जी का खोज आप ही किए थे, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए, ये वो छोटा सा नौकरी नहीं? हम लोग भी कहते थे झूठ का है बोले, हम हनुमान जी के यहां हम भी जाते थे मंगल के मंगल, हॉस्टल में रहा लिए छोड़ा सब कल, चल चल चल, कोई काम धंधा था नहीं, मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो ये सब काम था मंदिर इन्हें उन्हें जाना, मंदिर का मतलब नहीं समझते थे, सोचते थे हनुमान जी वहां बैठा लें जाके कुछ बोल दिए बोल के आ जाएंगे। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। युवा द पावर, युवा द पावर। बहुत लड़के कहते हैं भैया सोचते तो हैं
सोचते तो हैं, हो नहीं पाता है, नहीं होगा, क्योंकि पावर चाहिए। पावर 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 कहां है? आपके अंदर है। सुनते तो हो, सुनने में आपके जैसा शायद कहीं कोई लोग मिले। किसी जिम में जाओ और जिम में वहां समझा रहा है, अच्छा इस मसल बनाने का भैया, मसल ये वाला देख रहे हैं, ये मसल बनता है, अच्छा ये जो ऐसे ऐसे करवा रहे हैं इसका क्या होता है, इससे ये बनता है, ये बनता है, अच्छा यही तो दौड़ाते हैं ऐसे 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 वाला सब सुन लिए। कब से आओगे? नहीं आएंगे, नहीं देख रहे थे। किस काम का? हमारा सुनिए, निशांत रंजन का सुनिए, राजीव जी का सुनिए, अभिषेक जी का सुनिए, सुने सुने सुन लियो। तो तू सुनन्मा, सुन रे पुतनमा, सुनन्मा। करने की बात, जो करेगा उसी को उसका लाभ मिलेगा। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। महामंत्र गायत्री, ये जवानी जगा देता। जवानी किसको कहते हैं? नौजवान किसको कहते हैं? नौजवान उसको कहते हैं, अच्छा हम पटेल में रहे हो, अरे बुढ़वान, अरे बैताल, आप लोग तो अच्छे लोग हो, इतने ज्ञानी हो, चेहरा इतना वाइब्रेशन आ रहा है, इसलिए मैं सीधी सीधी कहता हूं कि साहब बनने की बात सोचिए। और ये मेथड जो बताया जा रहा है ध्यान और गायत्री मंत्र, इसका सबसे ज्यादा लाभ। मैं भी एक घंटा सुबह एक घंटा शाम ध्यान और गायत्री मंत्र करता हूं। कई बार लोग पूछते हैं कि आप इतने विल पावर के साथ बोलते कैसे हो? मैंने कहा बोलने तो मुझे भी नहीं आता था। मैं भी जब सैदपुर हॉस्टल में था और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, सेमिनार जब होता था मुझे याद है सब ड्यूटी ले लेते थे, कहते भैया बोले वाला नहीं दिए, बोले के नाम से हाथ पांव कांपने लगे। आज बोलते कोई डर नहीं, यहां बोले, दिल्ली बोले, बंगलोर बोले, पूना बोले, कोई दिक्कत नहीं, हम काम की बात बोलते हैं, करना पड़ेगा भैया। दूसरे का भाषण आपके जीवन में कभी लाभ आपको नहीं दे सकता है, कभी नहीं। थोड़ा देर सुख 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 सुख, फिर जहां थे वहीं हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, है? इसलिए भैया दूसरे का भाषण, दूसरे का प्रवचन आपके जीवन में कभी लाभ नहीं दे सकता है, नोट कर लीजिए। आपके भीतर से जब तक वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगा, और इसी का मेथड बताया जाता है, आप पढ़ते हो खूब मुबारक है पढ़ो, लेकिन अगर मन से पढ़ाई नहीं हुई, टाइम पास, तो टाइम पास, ये टाइम पास वाला पढ़ाई आने वाले दिनों में आप पीछे चले जाओ। अब 69 हम बोल रहे हैं और आप हमको कह रहे हो 59 है। एक दिन से पूछे, एक छोरा से पूछे, मुंह का चौड़ा हले, बाल उल तनी ऐसे ऐसे कर ले, खोड़ा ऐसा कर ले हले, हम कहे बुआ तू काची का तैयारी करे हो? बीपीएससी, अच्छा फुल फॉर्म बीपीएससी का? फुल फॉर्म सर, हाँ जी फुल फॉर्म। वो जो खस का, हम आपको क्या कहें, हम कहे धन्य है प्रभु, तब न यहाँ लौज के महंगाई बढ़ल है रे बाप, हैं हम लोग के लिए जमा में तो चौड़ा चौकी देता था लौज वाला सब, आजकल सिकुड़ा के है इतनी, रात में अगर तनको कल्टी मार लो तो गेलो नीचे है। और कई लौजों में स्थिति इतनी भयावह है, आप हंसते हो, मुझे तो दया है, कई लौजों में तो खिड़की भी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और फिर वही ले लेता है। अब बताइए वो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शुद्ध हवा नहीं लेगा रात, वो तो बीमार पड़ेगा। सुबह उठेगा उसको सर भारी लगेगा, उसको एकदम लगेगा कि हम रात में नींद नहीं ठीक से आया है, वो इतना परेशान रहेगा कि उसके भीतर कई तरह का बीमारी पैदा ले लेगा। वो जांच करवाने जाएगा तो हो सकता है शुगर निकल जाए, बाप रे 28 में शुगर निकल गेलो रे बाप, आजकल तो 14-15-16 साल के छोरा सबके शुगर हो रहा है, शुगर का बीमारी भारत राजधानी बन गया है। और दूसरा एगो है, एगो खेला लाइव चल रहा है, इसको अब ऑफ कर दीजिए, दूर दूर